पांच नंबर क्या कहता है? पांच नंबर बुध का नंबर है। एक बड़ी सी ऊपर सी बात, पांच नंबर वाले फ्री बर्ड होते हैं, यानी कि अपना तबला और अपनी बात, अपनी बात बोलने में सक्षम होते हैं, अपना कम्युनिकेशन करने में सक्षम होते हैं। और एक कहावत के रूप में अगर देखा जाए, अपनी डपली अपना राग, पांच नंबर वाले, उनके मन में जो बात आती है वो बात बोलते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग होते हैं ये लोग, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी होते हैं, बड़ी लविंग और एक विजनरी मोटिवेटेड पर्सनालिटी होते हैं। दे आर चार्मिंग पीपल, दे लव टॉक टू द पीपल। इन्हें लोगों से संपर्क बनाना, घूमना फिरना, रिलेशनशिप करना, बातचीत करना अच्छा लगता है। क्योंकि जो पर्सनैलिटी होती है वो आकर्षित होती है, इनसे लोग कनेक्ट होते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ब्यूटी एंड द पावर ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ डिफरेंस। द ब्यूटी इज लिटिल डिफरेंट, एट टाइम्स पीपल मे नॉट बी दैट ब्यूटीफुल बट दे हैव अ पावर टू कनेक्ट, दे हैव अ पावर टू क्रिएट अट्रैक्शन। इट्स लाइक चिपक होता है, चिपक चिपक चिपकने वाला चुंबकीय प्रभाव। ब्यूटी के साथ इंसान चिपके ये कोई जुड़ी नहीं है, पर अट्रैक्शन के साथ इंसान चिपके, उसमें अट्रैक्शन पावर है। तो नंबर फाइव इज द पावर ऑफ अट्रैक्शन। अपने माइक को प्लीज म्यूट करेंगे जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दे आर वेरी इंपल्सिव टॉकर्स एंड दे आर रेडी टू स्पीक ऑन एनी सब्जेक्ट। दे able to generate support for themselves and they are always inclined to give support to the people. They are changeable, they are very flexible. इन्हें आजादी पसंद है, इन्हें आजादी दोगे ये लोग जीवन को खुशी से जिएंगे। इन्हें आजादी नहीं मिलेगी ये घुटे के अंदर ही अंदर, इनके अंदर से एक फीलिंग रहेगी घुटन की, जैसे इनका किसी ने गला तोड़ दिया, ऐसी फीलिंग आई। और अगर इनको यहीं पे आजादी मिल जाए तो ये लोग अपने आप में इतने सक्षम होते हैं कि अपने साथ जिस व्यक्ति को सपोर्ट कर दे वो व्यक्ति को तार दे। वेरी वर्सेटाइल पीपल, इंजॉइंग डूइंग वैरायटी ऑफ थिंग्स इन लाइफ एंड दे आर रेस्टलेस बट लिटिल इंपेशेंट। They are constructive approach people. They are optimistic approach people. They are not pessimistic or they are not negative approach people. By virtue of their destiny itself, the number itself, they enjoy every moment of life. They want to enjoy every moment of life. They are very adaptable. Kaisi situation hogi waisi flexibility generate karenge apne liye. Business ke perspective se bole to business safalta inke saath chalti hai. पांच नंबर वालों के साथ बहुत सुपर अट्रैक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ गणित का। गणित का मतलब यहाँ पे बिजनेस की अट्रैक्शन, पैसे की अट्रैक्शन, गणना की अट्रैक्शन, गल्ले की अट्रैक्शन। गल्ला इनके हाथ में दे दो, विच मीन्स आज के तरीके से इनके हाथ में कैश कलेक्शन दे दो, इनके हाथ में प्रॉफिट दे दो, इनके हाथ में बैंक दे दो, हिसाब किताब में पक्के एक नंबर के, ना रुपया लेंगे ना रुपया देंगे, पक्के हिसाब किताब। ये रुपया देना था तो ये दे रहे हैं, ये लेना था तो ये दे दो। ऐसा नहीं है कि समझेंगे सब कुछ बोलेंगे देख के, नजरअंदाज कर रहा है इनको भारी पड़ता है। ये लोग नजरअंदाज के पात्र नहीं होते, क्योंकि इनका जो बुद्धि होती है ना, बड़े इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं ये लोग, बुद्ध वाले लोग हैं ये। इन्हें ना हर चीज समझ में आती है, कई बार व्यक्त करते हैं कई बार नहीं करते, परिस्थितियों के अनुसार, जैसे मैंने बोला था चेंजेबल है, अडेप्टेबल है, अपने आप को बैंड कर लेते हैं और जरूरत के अनुसार बोल जाते हैं, नहीं तो चुप्पी खींच जाते हैं, नहीं तो पी जाते हैं। इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको नोट फॉर्मेट में आपको डेफिनेशन दूंगा।
पांच अंबा वाले लोग दिल को छू जाते हैं, दिल को छू जाते हैं, इनके अंदर उत्साह एक एंथुसियाज्म बहुत होता है। ये बड़े पढ़ाकू या रीडिंग की संख्या इंसान होते हैं, इनको लिखना पढ़ना मजा आता है। दे लव राइटिंग, दे लव रीडिंग, दे एंजॉय इट। पांच अंबा वाले लोग ऐसे होते हैं, उनके फेस पे एक बचपना का फील होता है, उनकी आवाज में, उनकी टोन में, उनकी फेस पे, उनकी फीलिंग में एक बचपने जैसा फील होता है। पांच अंबा वाले अगर हस्बैंड होंगे, दे लव फूड, दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड। मतलब हस्बैंड से मेरा मतलब यहाँ पे मेल लगा देना, मेल मेंबर, हस्बैंड वाइफ के साथ ज्यादा ज्यादा समझ में जल्दी आता है एक्चुअली हमें, तो इसलिए हमने हस्बैंड बोल दिया, बट मेल मेंबर लगा लेना यहाँ पे। बट दे आर फॉन्ड ऑफ फूड, दे लव ईटिंग, इन्हें मजा आता है खाने में, खाने का शौक होता है, नीटनेस का, क्लीनिंगनेस का शौक होता है, डेकोरेशन का शौक होता है, बच्चों का, बच्चों से, बच्चे इनको प्यारे लगते हैं, और घूमने फिरने का शौक होता है। यहीं पे अगर लेडीज हुई, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर वेरी सॉफ्ट, दे अरेंज थिंग्स वेरी गुड, दे आर मैनेजेबल, दे आर वेरी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी। बट उनके साथ एक चीज इंपॉर्टेंट है, दे आर अपने में दिखता नहीं है, बट अपने में जरूर होती है। मतलब ये कि वो व्यक्ति, पांचवा वाला व्यक्ति, अपने को हमेशा अहम देता है, मैं हमेशा अपने को आई एम फर्स्ट वाली फीलिंग अंदर से होती है, दिखेगी नहीं। जब मैंने एक नंबर की बात की थी ना कल लास्ट टाइम में, तो एक नंबर वाले की जो अपनी अहम है ना, वो दिखेगा, प्राउडी फीलिंग दिखेगी, पांचों वाले की दिखेगी नहीं। बट दे ऑलवेज हैव इंटेंशन फ्रॉम इनसाइड दैट दे आर वन, दे पुट देमसेल्फ फर्स्ट, दिखती नहीं है। लेकिन पांचों वाले बड़े ही ट्रिकी लोग होते हैं, जो चीजों को समय के अनुसार छिपा जाते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, दिखने नहीं देते। पांचों वाले, पांचवा वाले लोग, या लेडीज की बात हुई थी, तो पांचवा नंबर वाले लोग, दे आर वेरी वेल मैनेजेबल, दे आर वेरी गुड होम मेकर्स। जो भी काम इनको दो, वो बड़ी परफेक्शन के साथ और ड्यूटीफुली करते हैं। अगर इनको क्रिटिसिज्म भी दोगे ना, तो क्रिटिसिज्म भी ये बड़े तरीके से, लहजे में बात करेंगे ये, पांच अंबा वाले लोग अगर जिनका बर्थ डेट पांच ही है, मतलब पांच अंबा तीन तक की डेट आएगी ना, बर्थ डेट एक पांच आएगी, एक चौदह आएगी, एक तेईस आएगी, करेक्ट है, ठीक बात, एक पांच आई, एक चौदह आई, एक तेईस आएगी, तीन आएगी ना, सही बात, सबको समझ में आई बात, ये किसको नहीं है समझ में जाएगी, सबको समझ में। अब थोड़ी सी बात करते हैं पांच अंबा में तीनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या होगा, दो दो लाइन का डिफरेंस बात समझते होगा। जिनकी पांच अंबर के अंदर पांच ही आया, इन लोगों को, ये लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ये लोग बड़े नॉलेजेबल होते हैं, दे हैव अ वेरी गुड बिजनेस नॉलेज, दे आर वेरी शार्प, बट दे आर लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट। तो इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि दे शुड नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी ह्यूमरस, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत तेज होता है पांच अंबर का। बट इनको अल्कोहल और नॉनवेज की सिचुएशन थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, इनको अल्कोहल और नॉनवेज पे आकर्षित नहीं करना चाहिए। जो चौदह नंबर वाले होंगे ना, जिसमें एक और चार का मिश्रण है, तो पांच नंबर, उनमें अहम थोड़ा ज्यादा होगा। ये ऐसे लोग होंगे, इनमें एक ऐसी ट्रिक होगी जो अपने अट्रैक्शन से ना काम निकालने में सक्षम होंगे, अपना काम निकाल लेते हैं, वेरी स्मार्ट। पांच नंबर की खूबी मिलेगी, एक और चार साथ मिलेगा, एक का अहम मिलेगा, चार की चतुर्बुद्धि मिलेगी, और पांच की ट्रिक मिलेगी। नंबर को जोड़ना सिखा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा जोड़ना सीखना,
अगर आपने नंबर जोड़ने सीख लिए ना, आप न्यूमरोलॉजी सीख गए। अगर आपने नंबर जोड़ने नहीं सीखे, आप कितने भी कोर्स के लिए न्यूमरोलॉजी नहीं सीख सकते, गारंटेड। क्योंकि जितने भी कोर्स लोग बनाते हैं ना बाजार में, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। कहां से होते हैं? नंबर का कॉम्बिनेशन, नंबर के 9 जो डिजिट है ना स्टार्टिंग पे, उन्हीं के तत्वों को कंबाइंड करके नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, और कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी इजी साइंस। बट बिग बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड कि लोग कोर्स के ऊपर कोर्स करते हैं, नथिंग। सो लर्न टू, हम पूरी जर्नी में बात करेंगे इन चीजों पर, लर्न टू कंबाइन द नंबर टू मेक द कॉम्बिनेशन।